और फिर हमने यहाँ स्टे लिया है और यहाँ से मैंने थोड़ी चीज़ें वीज़ें ली। और गाइस अब हम जहाँ पहुँचने वाले हैं वो काफ़ी हॉन्टेड जगह है, क्योंकि गाइस वो है जंगल। तो जंगल में हम पहुँचे गाइस, अभी आप देख सकते हो कि हम जैसे ही जंगल में पहुँचे तो दुआएँ चलने लगी कि यार सही सलामत पहुँच जाएँ जहाँ पहुँचना है। तो गाइस एकदम से मैं वीडियो बना रहा हूँ, झाड़ी ये देखें कैसे अंदर घुसी, मैं तो डर गया, अगर मेरा फ़ोन ज़रा सा बाहर होता तो फ़ोन बाहर जाता। तो गाइस अब आप देख, और फिर हम जैसे ही जहाँ हमें पहुँचना था माशाल्लाह से हम फिर अपनी मंजिल पर पहुँचे। और फिर गाइस बस से उतरने में काफ़ी मसला होने लगा, ये बोरियाँ रखी हुई थी तो मैं उतर नहीं पाया। तो फिर मैंने अपने अब्बू को, अब्बू बोलने लगे सामान गंदा हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर गोश्त था, क्योंकि यहाँ जाके हम गरीबों को खाना खिलवाते हैं, यहाँ काफी सारे गरीब रहते हैं यार। मैं गरीब हूँ हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो मुझे तो काफी दुख हुआ, फिर मैं निकलने लगा बाहर की तरफ, अब बस से उतरने लगा। फिर मैं बस से जैसे ही उतरता हूँ तो काफ़ी सुनसान जगह आ जाती है, मतलब कि वो एरिया है ही सुनसान, बट सुबह के टाइम में काफ़ी सही रहता है। तो मैं उतरने लगा और मैंने अब्बा को बोला कि यार अब्बा चार्जर ही नहीं लाया, मैं चार्जर भूल गया। तो फिर जो मेरा दोस्त है उसने बोला कोई टेंशन की बात नहीं है, छोटे मोबाइल का चार्जर चलेगा। तो फिर मैंने उसको बोला हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, बेहतरीन चलेगा बल्कि, क्योंकि सारे चार्जर एक ही जैसे होते हैं। फिर मैं नीचे उतरने लगा और फिर हम पहुँचे। और गाइस अब जो आने वाला है ना सीन, क्योंकि अब यहाँ से आपको तफरी आएगी, बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ से अब हम जाएंगे शहद का छत्ता ढूंढने और काफ़ी सारे। तो अभी सुबह होगी, अभी हम रात को पहुँचें 4-5 बजे, फिर यहाँ चाय बनेगी, फिर सुबह होगी, फिर सुबह 9-10 बजे के दरमियान, 9-10, 11-12 ऐसा ही कुछ टाइम था, मुझे कंफर्म नहीं पता। फिर हम पहुँचेंगे छत्ता ढूंढने। तो अभी हम उतर गए, ठीक है गाइस, ये जगह जहाँ मैं रहता हूँ। तो ये गाइस अभी हम शहद का छत्ता ढूंढने निकले हैं और मेरी चप्पल में कांटे फंस गए हैं पूरे तरीके से मेरे, ये देख सकते हो। और अभी चारों तरफ जंगल ही जंगल, खेत ही खेत। पूरे तरीके से ये जो अटके हैं ना ये मेरे पैर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, मैं कुछ करता हूं अभी, यहां निकल ही नहीं रहा गाइस, ये निकालना पड़ेगा मेरे, चुप ना जाए बस, पैर से निकालता हूं हाथ से, सॉरी पैर से क्या पता नहीं खुराट है ये वाली की वाली का नहीं करेगी। काटा अंदर घुस गया यार, अब पापा क्या करूं, चप्पल आप अच्छे मैं से तो चल नहीं पाऊंगा। चलो भाई 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 अब कहाँ निकलना है, मैं ये रहा अंदर की तरफ जाएंगे थोड़ा पापा के चुपके मेरे तो दिल में बहुत शदीद दर्द हो रहा है गाइस, झूठ बोल रहा है, दिल का दर्द। शहद की तलाश में अंकल हैं, पापा ने चप्पल तो दे दी, मुझे पछता रहे होंगे। ये जो लाते देख रही है तो मैं ये लाते मैंने मारी है, दे दड़ा था मुंह बना दिया पूरा एक। यहाँ से इसमें शायद पकड़ोगे नहीं, ये तो मेरा मांगने का कट भिखारी अभी यहाँ बैठूंगा अल्लाह के नाम पे एक रुपया दे दे बाबा भाई जान फ्री में दुआएं दूंगा भाई जान। यहाँ भी एक कुत्ता कुतिया खड़ा, अबे साले तभी मेरा मत हुआ यहाँ, अभी तो मैं सबसे 6 बजे जब आए थे सुबह कुत्ता को दिया था, हग दिया अब बहुत ज्यादा मधुमक्खियां उस पे, मधुमक्खियां है स्टार प्लस के बच्चे
मधुमक्खिया ही बोलते हैं और क्या बोलते हैं? शहद की मक्खी। अच्छा अच्छा मधुमक्खी यार, मैंने दिमागों से निकल नहीं रहा। अरे बंदा मरेगा, आज शायद हो गया वो। खुद तो कवर में काटेगी ना, मरना पड़ेगा। गर्मी बहुत यार। सब चीजों पे तू गिरा रहा है यहाँ पे नीचे। हटा रहा हूँ। यहाँ तो कुछ भी हरी मिट्टी गाइस, अभी बस हम यही खेतों में, मतलब कि ऐसी ये एक जगह है यहाँ, ऐसी टाइम पास, मतलब टाइम पास ऐसे ही आते हैं घूमने। तो ये था कि अभी यहाँ से हम जाएंगे वापस वहीं जहाँ हम रहते हैं, वहाँ तक। अभी आप तक आपको नहीं दिखाया कि बस उतर के दिखाया था, फिर सो गया था आके। तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, चोट भी लग गई, हाथ कट गया मेरा पूरा, बिकॉज मेरा हाथ इसीलिए कट गया, मैं आलू काट रहा था। और कौन है ये लोग? इस बेचारे बच्चे के मुंह को देख के आप सोच सकते हैं कि ये बेचारा बच्चा कितना थका हुआ है, दिन भर घुमा और अभी ये घर जा रहा है वापस। तो गाइस आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया, प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तब तक